हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पहले देखो पैलेसी को किसान यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं किसानों की सबसे बड़ी योजना की शुरुआत जो है कर दी गई है। किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना की शुरुआत यहाँ पे की गई है, जिसके तहत किसानों को खेती के लिए 25-25 हजार रुपए यहाँ पे देने का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, सरकार का बहुत ही बड़ा ऐलान यहाँ पे किसानों की आय दोगुनी करने का यहाँ पे बहुत ही अच्छा कदम जो है सरकार द्वारा उठाया गया है। इस योजना के तहत लगभग 35 लाख किसानों को सीधा लाभ जो है बैंक अकाउंट के माध्यम से, डिजिटल ट्रांसफर के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में दिया जाएगा। तो दोस्तों, किसानों के लिए बहुत ही अच्छा कदम है, जिसके माध्यम से किसानों को खेती के लिए जिस तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6-6 हजार रुपये दिए जाते हैं, उसी तरीके से उन 6-6 हजार रुपये के अतिरिक्त 25-25 हजार रुपये सभी किसान भाइयों को खेती कार्य के लिए यहाँ पे दिए जाएंगे। तो दोस्तों, सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है यहाँ पे। इसकी शुरुआत जो है यानी कि 10 अगस्त 2019 से इसकी शुरुआत जो है कर दी गई है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए, मैं इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ। और दोस्तों, अगर आप इस योजना से खुश है कि ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है, तो दोस्तों इस वीडियो के नीचे थंबनेल के बटन को दबा के वीडियो को लाइक जरूर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे हाथ जोड़ के आग्रह है, इसी तरीके की गवर्नमेंट की योजनाओं से संबंधित वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के नीचे इस तरीके से एक रेड सब्सक्राइब का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा के दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़े। इसके साथ ही दोस्तों, सब्सक्राइब के राइट साइड में आपको एक छोटे से बैल या घंटे का निशान दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे यह होगा जैसे ही किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट की बड़ी अपडेट हमारे सामने निकल के आती है, उसका वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। और दोस्तों, अगर सरकार की इस योजना से आप खुश है कि किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना है, तो दोस्तों इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों और मिलने वालों के बीच शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा किसान इस योजना का लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या यहाँ पे मोदी सरकार या गवर्नमेंट सरकार द्वारा कौन सी बड़ी यहाँ पे किसानों के लिए योजना की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों, यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ये 10 अगस्त 2019 की न्यूज 18 हिंदी के माध्यम से ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। आज शुरू होगी किसानों की सबसे बड़ी स्कीम, खेती के लिए हर किसान को मिलेंगे 25-25 हजार रुपए। तो दोस्तों, देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम से अलग होगी ये जो यहाँ पे स्कीम की शुरुआत की जा रही है। इसकी सहायता राशि जो है 35 लाख किसानों को मिल पाएगी। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता रखा है कि हर किसान को, देख सकते हैं, हर किसान को 25-25 हजार रुपए यहाँ पे दिए जाएंगे। लगभग 35 लाख किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना की शुरुआत जो है 10 अगस्त 2019 को हो चुकी है। दोस्तों, बहुत ही अच्छी योजना है, जिसके तहत प्रत्येक किसान वर्ग को दोस्तों 25-25 हजार रुपए यहाँ पे खेती में सहायता के लिए यहाँ पे देने का प्रावधान किया गया है। तो चलिए जान लेते हैं किस तरीके से इस योजना का लाभ मिलेगा, किन किन लोगों को इस योजना का लाभ जो है दिया जाएगा। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुक्रवार को देश भर में शुरू हो गई है। दोस्तों, इस योजना का नाम रखा गया है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसके बाद बीजेपी शासित राज्य झारखंड आज शनिवार को किसानों के लिए सबसे बड़ी स्कीम की शुरुआत करने जा रही है। यहां अब 5 एकड़ तक की खेती वाले हर किसान को सालाना 25 हजार रुपए मिलेंगे। दोस्तों, 5 एकड़ या इससे कम जिनके पास जमीन है, उन सभी किसानों को 25-25 हजार रुपए सालाना देने का यहां पे झारखंड की सरकार ने यहां पे प्रावधान किया है। यह रकम पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम से अलग होगी। इसके तहत पहले से ही 6-6 हजार रुपये मिले जा चुके हैं। इन दोनों स्कीमों को जोड़कर किसानों को 31 हजार रुपए की सरकारी सहायता सीधे हर किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। किसानों की इतनी बड़ी नकद सहायता अभी तक कोई भी सरकार नहीं दे पाई है। इसका नाम मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना यहां पे रखा गया है, जिसकी शुरुआत रांची स्थित हरमू मैदान में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा यहाँ पे की गई है। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी योजना की शुरुआत यहाँ पे की गई है किसानों के लिए। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक झारखंड में प्रति किसान औसत मासिक आय सिर्फ 4,721 रुपए है, जो राष्ट्रीय औसत 6,426 से काफी कम है। कृषि से जुड़े जानकारों का कहना है
कि इसलिए राज्य सरकार यहां पर इतनी बड़ी स्कीम लेकर आई है। दूसरी ओर राजनीति विश्लेषक बताते हैं कि इसी साल विधानसभा चुनाव भी है, इसलिए झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने सबसे बड़ी योजना का दांव यहां पे चला है। यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ताकि किसानों की नाराजगी न झेलने पड़े, इस कारण से यहाँ पे इस योजना की शुरुआत जो है की गई है। देख सकते हैं महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। झारखंड में राष्ट्रीय औसत से भी कम यहाँ पे किसानों की आय यहाँ पे है। उसके बाद हम बात करें तो देख सकते हैं इसकी जो शुरुआत है राज्य के सभी जिलों में एक साथ होगी। इसके तहत करीब 35 लाख किसानों को 3,000 करोड़ रुपए की सीधी राशि जो है उनके बैंक अकाउंट में डाली जाएगी। पहले चरण में करीब 15 लाख अन्नदाताओं को इसकी सहायता यहाँ पे मिलेगी। राज्य सरकार की कोशिश यह है कि किसानों को खाद, बीज और कीटनाशक आदि दवाइयों के लिए कर्ज न लेना पड़े। इस दाव से चुनावी मुहाने पर खड़े अन्य राज्यों पर भी किसानों के लिए कुछ बड़ा ऐलान करने का यहाँ पे दबाव पड़ेगा। अब किसे कितना लाभ मिलेगा इसके बारे में अब हम जान लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, सबसे पहले तो हम बात करें तो 1 एकड़ तक जमीन वाले किसानों को 5,000 रुपये, 2 एकड़ वाले किसानों को 10,000 रुपये, 3 एकड़ वाले किसानों को 15,000 और 4 एकड़ वाले किसानों को 20,000 और 5 एकड़ वाले किसानों को यहाँ पे 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। यहाँ पे 5 एकड़ तक की जमीन का ही प्रावधान रखा गया है। तो दोस्तों 1 एकड़ यानी कि 5,000, फिर 2 एकड़ 10,000, इस तरीके से प्रत्येक 1 एकड़ में 5,000 प्लस यहाँ पे आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। यह पैसा 2 किस्तों में मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम 6,000 रुपये इससे अलग होगा। किसी राज्य सरकार की ओर से किसानों को पहली बार इतनी बड़ी रकम सीधे उनके बैंक अकाउंट में कृषकों को नगद पैसे देने की यहाँ पे तेलंगाना सरकार द्वारा इसकी शुरुआत जो है हुई थी। अब कौन कौन इस योजना का जो लाभ है ले सकता है, कौन कौन इसके लिए पात्र है, उसके बारे में करते हैं बात। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं सिर्फ राज्य के जो मूल निवासी छोटे व सीमांत किसानों के लिए ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी कि दूसरे राज्य के से यहां आकर जमीन खरीदने वाले लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। कृषि विभाग या कलेक्टर के फॉर्म लेकर उसमें खेत के कागजात यानी कि जमाबंदी या जमीन की नकल जो है उसके डॉक्यूमेंट्स लगा के आपको एक फॉर्म भरना होगा। साथ ही बताना होगा कि आवेदन करने वाला व्यक्ति ही खेत का मालिक है, और बैंक अकाउंट नंबर देना होगा। अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ऐसा न करने पर आवेदक जो है लाभ से वंचित हो जाएगा। किसान कार्ड और राशन कार्ड भी इसके साथ लगाना होगा, यानी कि केसीसी और जो राशन कार्ड है वो दोनों आपको लगाने होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मोदी सरकार द्वारा किसानों के लिए बहुत ही अच्छी योजना, यहाँ पे झारखंड के मुख्यमंत्री भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बीजेपी कर रही है कांग्रेस किसानों पर फोकस, इसी साल है विधानसभा चुनाव। अब उसके बाद हम बात करें कहाँ मिलती है कितनी आर्थिक सहायता राशि। तो दोस्तों हरियाणा सरकार जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अलावा अपने किसानों को 6,000 रुपये सालाना दे रही है। यानी कि इस तरीके से टोटल यहाँ पे 12,000 रुपये सालाना किसानों को दिए जा रहे हैं। उसके बाद हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश सरकार जो है 10,000 रुपये सालाना दे रही है, जिसके तहत 6,000 रुपये केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के रूप में और 4,000 रुपये जो है सरकार अपनी तरफ से यहाँ पे किसानों को आर्थिक सहायता के रूप में प्रोवाइड करा रही है। उसके बाद तेलंगाना सरकार जो है राज्य की ओर से 8,000 रुपये सालाना यहाँ पे किसानों को आर्थिक सहायता के लिए दे रही है, जिसमें 2 सीजन में 4,000 रुपये किसानों को प्रोवाइड कराए जाते हैं। उसके बाद ओडिशा में प्रति किसान परिवार को सालाना 10,000 रुपये यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों इन सभी विभिन्न राज्यों में किसानों को आर्थिक सहायता राशि यहाँ पे दी जा रही है। तो दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट के इस फैसले से खुश हैं कि किसानों की आय जो है उसे दुगनी करने के लिए यहाँ पे किसानों के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं लेके आ रही है, तो दोस्तों इस वीडियो को दिल से लाइक करें और इसी तरीके की गवर्नमेंट से संबंधित किसानों की जो भी योजनाएं हैं उनके वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों अभी वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल के आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ऐसे ही अपडेट देखने के लिए।
तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नए लेटेस्ट और ताजा अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए पहले देखो पहले सीखो यूट्यूब चैनल में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय जवान, जय किसान।